मित्रों प्रणाम, मैं कुनाजी पांडे, पूर्व एमएलसी सिवान बिहार। मित्रों, कल शाम में भी हम लाइव आए थे, आकर के अपनी बात जो रखना था हमने रखा। नीताराम माझी जी के विरुद्ध जो उन्होंने ब्राह्मण समुदाय के विषय में उन्होंने जो कुछ बोला, अभी हम देख रहे थे हमारे बड़े भाई माननीय श्री मिथिलेश तिवारी जी भी लाइव आए हुए थे। कल भी वो बहुत कुछ बोले, आज भी लाइव आए हुए थे। उन्होंने अपने समाज का या हर वर्ग का उन्होंने पक्ष रखा, बहुत अच्छा लगा। चलिए, उन्होंने ये आवाज तो उठाया, लेकिन दोस्तों मैं रात भी आपसे आग्रह किया था, आज भी आग्रह किया था कि जीतनराम मांझी एक प्यादा है। आप लोग ज्यादा फोकस जीतनराम मांझी पर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखने की बात यह है, बार बार हम आग्रह कर रहे हैं कि जीतनराम मांझी से बुलवाया किसने ये बात। जीतनराम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अपने मन से तो ये बात बोल नहीं सकते हैं, उनको किसी ने किसी ने बुलवाया है। रात भी हम आग्रह किए थे आप लोगों से, आज भी आग्रह किए थे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन पर क्या कार्रवाई करते हैं। और हम अपने बड़े भाई श्री मिथिलेश भाई से भी आग्रह करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मिथिलेश भाई आपको आगे करके भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस प्रकरण को लिपापोती करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी के एक भी शीर्ष नेता इस पर कोई बयान नहीं दिए। हम लोग को कार्रवाई चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग बोल रहे हैं कि माफी मांग लीजिए, माफी मांगने से सारा मैटर अगर खत्म हो जाए तो जितने ब्राह्मण भाइयों पर एसटीएससी केस लगा हुआ है सबसे माफी मंगवा कर केस उठा लिया जाए, ये कौन सी राजनीति है। और बड़े बड़े बीजेपी में ब्राह्मण मंत्री बैठे हुए हैं जो ब्राह्मणों के नेता बनते हैं कि हम ब्राह्मण का नेता है, एक भी मंत्री का आवाज तो नहीं आया मुंह में। ऐसा तो नहीं कि मिथिलेश भाई को आगे करके ब्राह्मणों का आक्रोश को दबाया जा रहा है कि मिथिलेश भाई ने पूरा आवाज उठाया, ब्राह्मणों समुदाय के लिए लड़े, बीजेपी के नेता हैं, ऐसा फायदा बीजेपी उठाए। बीजेपी ब्राह्मणों का वोट लेती है, सही बात है। अभी वहां के जो एमपी हैं गोपालगंज के, क्या ब्राह्मण वर्ग के लोग उनको वोट दिए हैं कि नहीं दिए हैं, वो क्या आवाज उठाए हैं, सो आप लोग बताइए। मिथिलेश भाई को सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा। हम जहां तक अनुभव कर रहे हैं, मिथिलेश भाई हमारे बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत पूजनीय हैं, उनका मैं बहुत इज्जत कदर करता हूं, आज भी करूंगा, हमेशा भी करता हूं। उन्होंने आवाज उठाया, इसी बात की बहुत खुशी है, वो लड़ाई लड़े, हम लोग उनके साथ रहेंगे। लेकिन इस लड़ाई के पीछे की राजनीति आप समझिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व या बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर जीतनराम मांझी जी पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप ये समझिए कि ब्राह्मणों को गाली जीतनराम मांझी जी ने नहीं दिया, इस बात को आप गहराई से सोचिए। ब्राह्मणों को गाली बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी ने दिलवाया, भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाया कि ब्राह्मणों को हम टोएं कि उनमें थोड़ा भी ब्लड जगह है कि नहीं, अस्तित्व जगह है कि नहीं, थोड़ा भी स्वाभिमान ब्राह्मणों में है कि नहीं, वो जांचने के लिए थर्मामीटर लगाए जीतनराम मांझी द्वारा बोलवा करके उस शब्द को। ये सिर्फ थर्मामीटर वो नाप रहे हैं कि ब्राह्मणों में स्वाभिमान अभी जगह है कि नहीं। तो हम तो आग्रह करेंगे, आप लोग देख लिए बिहार के सारे ब्राह्मण वर्ग से सारे लोगों को देख रहे हैं कि भाई जिनका स्वाभिमान जगह है वो फेसबुक मीडिया पर आकर पूरा आवाज उठा रहे हैं, विशेषकर बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश भाई भी पूरा आवाज उठा रहे हैं। लेकिन उस आवाज उठाने से बीजेपी फायदा लेने के चक्कर में है, सिर्फ मिथिलेश भाई से ब्राह्मणों के प्रति आवाज उठवाएगी और उसके बाद इस बात को लिपापोती कर देगी। हम मिथिलेश भाई से आग्रह करेंगे कि आप अपने शीर्ष नेतृत्व से कहिए, अगर आपका शीर्ष नेतृत्व क्या चाहता है, ब्राह्मणों का स्वाभिमान चाहता है कि नहीं, ब्राह्मणों की वोट की उसे आवश्यकता है कि नहीं। अगर ब्राह्मणों के प्रति जो शब्द बोला गया, इस शब्द पर उन पर अविलंब कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनको गठबंधन से बाहर नहीं किया जाता है, तब तक हम ब्राह्मण समुदाय के हमारे जैसे लोग यही समझेंगे कि जीतनराम मांझी से भाजी बीजेपी के लोगों ने ही बुलवाया है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ही बुलवाया गया है। इस बात को आप भी गहराई से सोचिए।
आप बार बार कह रहे हैं कि आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए। माफी मांगना अगर कोई सजा है तो आप ये भी मांगिए कि बिहार में जितने एसटी एसटी केस में फंसे हुए लोग हैं वो सब एसटी एसटी भाई से माफी मांग लें और उनको केस से बरी कर दिया जाए। क्या मित्रेश भाई, ऐसा भी कोई न्याय होता है क्या? किसी को अपमानित गाली दे करके माफी मांग लिया हो जाएगा तो एसटी एसटी में क्यों नहीं माफी मांगवा रहे हैं आप? ये एक बीजेपी की आरएसएस की सोची समझी चाल है जो आपके मुख से क्रियान्वित किया जा रहा है। हमारे समझ से आप में कहीं गलती नहीं है, आप तो अपने समाज के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के हर समाज के लिए आप हमेशा आवाज उठाते रहते हैं और पूरा मुखर रहते हैं, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देंगे। लेकिन हम उस दिन समझेंगे जब आपके पार्टी द्वारा जीतनराम मांझी को निष्कासित कर दिया जाएगा एनडीए से, या मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, या उन पर कोई कार्रवाई कर दिया जाएगा, फिर दोबारा कोई राजनेता ब्राह्मणों के प्रति ऐसा अपशब्द भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। इस समय का हम इंतजार कर रहे हैं कि कब किया जा रहा, नहीं तो आंदोलन तो तेज होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, आंदोलन बहुत तेज होगा और बीजेपी की चाल चलने वाली नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी की चाल चलने वाली नहीं है कि उन्होंने जीतनराम मांझी से बुलवा दिया ब्राह्मणों को और अपने चुप लगा गए, देख रहे हैं कि आज नहीं तो कल ये थम जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये बहुत बड़ा माने विद्रोह हो जाएगा पूरे बिहार में, पूरे भारत में, एक संप्रदाय के प्रति लेकर के जो भाषा प्रयोग किया गया है इसको। तो हम तो आग्रह करेंगे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से और मिथिलेश भाई से भी आग्रह करेंगे, मिथिलेश भाई आपके दल में ही मंत्री पद पर बहुत बड़े बड़े नेता बीजेपी के बैठे हुए जो अपने आप को कहते हैं कि हम ब्राह्मणों के नेता हैं, उनको जनेऊ पहनने पर धिक्कार है, उनको ब्राह्मण शब्द हटा देना चाहिए अपने थी से, क्योंकि सत्ता के लोभ में, आपको सत्ता का लोभ नहीं है इसीलिए आपने एकदम मीडिया में आकर के एकदम भयंकर अपना एकदम विस्फोटक बयान आपने दर्ज कराया। लेकिन जो व्यक्ति सत्ता में बैठे हुए मलाई खा रहे हैं उसने अपने समाज के प्रति एक बार भी स्वाभिमान नहीं जगा, इस पर गंभीरता से आप ही विचार करिए। ऐसा नहीं कहीं आपको आगे करके वो बीजेपी दूसरा फायदा उठाना चाह रही हो। अब रह गया सवाल कि आखिर ब्राह्मण इतने अपमानित होकर के भी चुप क्यों लगा जाते हैं? ऐसे ही दो चार नेताओं के चलते जो सत्ता में बैठ करके और ब्राह्मणों के सिर्फ वोट बैंक बनाए हुए हैं, ब्राह्मणों को गाली सुनवाते हैं, ब्राह्मणों को गाली दिलवाते हैं। हम तो अभी देखते हैं कि हर वर्ग के लोग इसका तिरस्कृत कर रहा है, जो हमारे घोर विरोधी हैं वो भी हमारे साथ सपोर्ट में खड़े हैं, जो हम देख रहे हैं अभी। ऐसी होनी चाहिए और जीतनराम मांझी जी पर अविलंब कार्रवाई हो, उनको निष्कासित किया जाए एनडीए से। और रह गई सत्ता की लोग, तो मैं रात भी इंटरव्यू में एक चैनल में बोला था और आज भी बोल रहा हूं बीजेपी के तमाम नेताओं से, आप सत्ता के लालच में कब तक ब्राह्मणों को गाली दिलवाइएगा? आप सत्ता कर चिपक कर कुर्सी पर चिपक कर कब तक ब्राह्मणों को गाली दिलवाइएगा? कल आप एनडीए से जीतनराम मांझी जी को बाहर करिए, आपकी सरकार नहीं गिरेगी, हमारी गारंटी है। अगर आप मुख्यमंत्री अपना बनाना चाहते हैं तो आप आइए आगे और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में बन जाएगा। अब कदम तो आगे बढ़ाइए, आप काम करने का मौका तो दीजिए। आप पूना पांडे को इतना छोटा आंक रहे हैं सो आपकी गलतफहमी है। हम बीजेपी का मुख्यमंत्री बना देंगे बिहार में अगर बीजेपी जीतनराम मांझी को हटाए और अब सरकार गिरती है तो हम बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे, सरकार नहीं गिरने देंगे, हमारी गारंटी के साथ है। अब सत्ता का लोभ छोड़िए, ब्राह्मणों का अस्तित्व पर ध्यान दिए। बस इतना ही बात हमको कहना था और हमेशा कहते रहेंगे हम तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। अभी देख रहे हैं कब बीजेपी अगर कार्रवाई करती है, एनडीए कार्रवाई करती है कि नहीं मांझी जी पर, नहीं तो हम भूख हड़ताल, आमरण अनशन सब पर बैठेंगे सीमान में और अपने ब्राह्मणों भाइयों का सम्मान की रक्षा करने के लिए हम कृत संकल्प हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। बस बीजेपी, एनडीए और जदयू, माननीय मुख्यमंत्री से हम आग्रह करेंगे कि आप लोग सत्ता की लालच छोड़िए, आपकी सरकार नहीं गिरने वाली है, न गिरेगी, आप लोग मांझी जी पर कार्रवाई करें।
नहीं करते हैं, इसका मतलब माना जाएगा कि आप लोगों ने ही ब्राह्मणों को अपमान किया है। बस जय परशुराम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।